सिकंदर से अपडेट सामने आते जा रहे हैं। सलमान खान की सिकंदर का फैंस को काफ़ी बेसब्री से इंतजार भी है। तो चलिए बात करते हैं कि सिकंदर मूवी से क्या नया अपडेट आया है। जी हाँ, एक अपडेट आया है और एक नई हीरोइन की एंट्री हुई है सिकंदर मूवी में। सलमान खान और कटप्पा एज अ विलन की मूवी सिकंदर जल्द ही आ रही है और उसका शूटिंग अभी चल रहा है। सलमान खान और रश्मिका मंदाना US गए हैं उसकी शूटिंग करने, जहां पर दो सॉन्ग फिल्माए जाएंगे और वो काफ़ी बड़े होंगे। सो स्वागत जैसा भी कुछ हो सकता है जिसका एक अलग ट्रेंड चल जाए। तो मेरी कंसिस्टेंसी को ऐसे ही इग्नोर करो जैसे कि तुम मेरी वीडियो को इग्नोर करते हो। अगर बात की जाए सिकंदर मूवी में सलमान खान की, तो सलमान खान भैया एक नए हीरोइन के साथ आ रहे हैं जिनका नाम है काजल अग्रवाल। काजल अग्रवाल साउथ की एक्ट्रेस है जो कि अब बॉलीवुड मूवी में भी काम करती है और वो एक इंडियन एक्ट्रेस है। तो काजल अग्रवाल भी दिखाई देंगी। अब हमें ये नहीं पता कि वो एज अ विलन दिखाई देंगी या मेन लीड में दिखाई देंगी, क्योंकि मेन लीड में तो रश्मिका मंदाना ही होने वाली है, ये हम सबको पता है। लेकिन सलमान खान की सिकंदर का हम सबको बेसब्री से इंतजार है और वो आएगी 2025 के ईद के मौके पर। सलमान खान की ज़्यादातर मूवी ईद में ही आती है। वहीं इस मूवी में कयास जताए जा रहे हैं कि संजय दत्त भी होने वाले हैं, वरना AP ढिल्लो का सॉन्ग क्यों आता ओल्ड मनी। हालांकि बहुत बढ़िया थी ओल्ड मनी और ये तो पार्ट वन था, इन्होंने एक फिल्म सा ही बना दिया है ना। तो क्या आप बेसब्री से इंतजार कर रहे हो सिकंदर का? और अगर आप सलमान खान के फैन हो तो कमेंट में बोल दो जय भाई जान की। ऐसे ही और अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए फिल्म मसालों।